ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को मिसाइल लॉन्च करने का आदेश दिया है। यह आदेश ईरान की सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने का एक स्पष्ट संकेत है। इसके प्रतिकूल इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले का सख्त उत्तर देने की बात कही है। इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं क्षेत्र में तनाव को और अधिक बढ़ा सकती है। पिछले कुछ महीनों में ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष में वृद्धि देखी गई है। इस संघर्ष का प्रभाव न केवल इन दो देशों पर बल्कि कई अन्य देशों पर भी पड़ सकता है। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली, जो छोटे रेंज की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए प्रमुख है, अपनी सीमा में सीमित है। यह प्रणाली केवल 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्यरत होती है। इसके अतिरिक्त अन्य रक्षा प्रणालियां जैसे डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम भी मौजूद है, जो लंबी दूरी की मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। एरो प्रणाली विशेष रूप से 2400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मिसाइलों का पता लगाने में दक्ष है। ईरान की मिसाइलों में अत्याधुनिक तकनीक शामिल है, जैसे कि फतेह मिसाइलें, जो ध्वनि की गति से 15 गुना तेज उड़ान भर सकती है। यह विशेषता इजराइल के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। हिजबुल्लाह, एक शक्तिशाली शिया सशस्त्र समूह जो 1982 में स्थापित हुआ था, इजराइल के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके साथ साथ हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हाल के संघर्ष की स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है। इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमला किया, जिसके परिणाम स्वरूप युद्ध की शुरुआत हुई। साथ ही हिजबुल्लाह ने अगले दिन औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा की। सऊदी अरब ने यमन सरकार का समर्थन किया है, जबकि ईरान विद्रोहियों का समर्थन करता है। यह स्थिति क्षेत्रीय राजनीति की जटिलता को उजागर करती है। इस्लामिक संघर्ष के कारण शिया और सुन्नी समुदायों के बीच बढ़ती कट्टरता ने मध्य पूर्व में स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध ने गंभीर मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है, जिसमें हजारों निर्दोष लोग प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता की हत्या और इसके पीछे के कारणों पर चर्चा की जा रही है। इस हमले ने क्षेत्र की स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। भारत सरकार की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है, जिसमें सभी पक्षों के साथ संवाद की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। महात्मा गांधी के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए संघर्ष को समाप्त करने के लिए अहिंसा और संवाद के मार्ग पर चलने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।